हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम क्लास सिक्स का सब्जेक्ट इंग्लिश से उसका लेसन टेन का वर्णन ट्री के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले नाम को देखते हैं। वर्णन ट्री, वर्णन मीन्स बरगद, बरगद का पेड़। इसमें बरगद के पेड़ के बारे में ऐसा क्या बताया गया है, नाम क्यों रखा गया है इसका बरगद का पेड़, चलो हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसके वो बताता है कि देखो हमने जो पिछला लेसन नाइन उसमें डेजर्ट एनिमल पढ़ा था और उसमें हमने मैंगोज़ और स्नेक के बारे में पढ़ा था ना, कि मैंगोज़ आर फेमस फॉर स्नेक किलिंग। ठीक है, वैसे तो सांप के अंदर बहुत जहर होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, उसके नुकीले दांतों में वो नेवले को मार सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं मार पाता है कि जो नेवला होता है ना वो ज़्यादा फुर्तीला होता है, वो जैसे ही सांप उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो दूसरी साइड चला जाता है। जब वो दूसरी पोजिशन लेता है तो फिर वो उधर घूम जाता है, तो मतलब और फिर बीच बीच में आके उसको काट देता है और इस प्रकार से वो सांप को थका देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या बताया गया है। ठीक है, ये जो ना नेवले की और सांप की लड़ाई प्राचीन काल में चलती थी, मतलब बहुत पहले भी ये गेम के रूप में दिखाया जाता था। ठीक है, देखो इसमें राइटर कहता है कि वो अपने गांव में रहते, मतलब उसका घर था, एक उसके दादा का घर था, बहुत पुराना था। ठीक है, उसके दादा की एज भी 65 ईयर हो गई थी और वहाँ पर घर के बाहर एक इसका बनियन ट्री था। क्या था? बनियन ट्री था। तो वो कहता है कि अब ये पेड़ है ना, ये मेरा है। मेरा क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि ऐसे तो ये मेरे दादाजी ने लगाया है या उनका है घर भी, लेकिन वो अब मेरा है। क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर इसके दादाजी चढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं, कान लगाए। ठीक है, उन्होंने लगाए, अब वो नहीं चढ़ सकते, तो अब वो बैठेगा उसके जो बैठ गया करे, तब मेरा राज है, तो वो पेड़ मेरा है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये पेड़ उस घर और मेरे दादाजी से भी बहुत पुराना है, उतना पुराना जितना कि देहरादून पुराना है। वो राइटर ऐसा कहता है, राइट। अब देखते हैं कि रबर जो राइटर है वो कहता है कि ये जो पेड़ है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक बार पेड़ मेरे से मैं इस पर आराम से चढ़ जाता हूँ और चढ़ के इसलिए फोर्स होती है इस तरह से, जहाँ ये ज्वाइंट होता है यहाँ उसने क्या मिलाता है थोड़ा सा बेकार सा, तो करा मैं उसके ऊपर बैठ जाता हूँ और जब मुझे वहाँ आराम करना होता है, कुछ पढ़ना होता है, तो मैं कंधा वंधा लगा के मैं बैठ जाता हूँ। वहाँ मैंने अपनी किताबें रखी हुई है, दो स्टोरी बुक्स रखी हुई है। ठीक है, तो मैं वहाँ पढ़ लेता हूँ और जब मैं किताबें नहीं पढ़ना होता है मुझे, तो मैं यहाँ इन पत्थरों के बीच में से नीचे का नज़ारा, मतलब ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो उसका नज़ारा मैं बड़े आसानी से देख सकता हूँ मैं बैठ कर। तो वो कहता है कि मेरी एक दोस्त बन गई। अब इस पेड़ के अंदर कौन कौन रहता है? इस पेड़ के कुछ स्क्विरल्स, स्नेक और बटरफ्लाई ज़्यादा करते रहते हैं, मतलब आते हैं बैठते हैं फिर चले जाते हैं इस तरीके से। तो कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड बन गए स्क्विरल, मतलब गिलहरी उसकी दोस्त बन गई। वो छोटा बच्चा था ना गिलहरी का, पहले तो वो गिलहरी उसके पास आई नहीं, वो डर गई कि कहीं इसके पास कोई गुलहरी तो नहीं है, कोई बंदूक छुपी तो नहीं जिससे मुझे मार दे। जब उसको ये लगा कि हाँ इसके पास कुछ नहीं है, ये अच्छा है, तो वो आने लगी और वो ऐसे हाथ से उसके लिए ब्रेड के टुकड़े और लोग ले जाता था, वो हाथ से लेकर खा लेती थी। और कह रहा है कि वो बाद में इतनी फेमिलियर हो गई ना कि वो मेरी जेब में से भी, कि मेरी जेब में कुछ आया नहीं, वो देखने लगी और जो मिलता था वो खा लेती थी। तो इस तरह से वो गिलहरी मेरी दोस्त बन गई और बाकी दूसरी गिलहरियाँ क्या सोचती थी कि ये बेवकूफ़ है जो इसके ऊपर विश्वास करती है।
झाड़ियों में ले जाके, ठीक है। और फिर जब वो झाड़ियों में ले गया